चलो एक ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो प्यारे बच्चों कि एक वायर है, एक 12 सेंटीमीटर वायर है, हमारे पास एक वायर था ऐसे 12 सेंटीमीटर का, उससे हमने एक ट्रायंगल बनाया। अगर एक हमने ट्रायंगल बनाया तो उस ट्रायंगल का जो ये वाला लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है और ये 4 है और ये 5 है, मतलब ये यहाँ एक हमने एक वायर था हम लोगों के पास, तो ये हमने 3 का बनाया और ये हमने 4 मीटर का बनाया, ये हमने 5 मीटर का बनाया। पूरे का रेजिस्टेंस दिया हुआ था, पूरे का रेजिस्टेंस तो हमें नहीं पता है, पूरे का लेंथ दिया था वो 12 सेंटीमीटर दे रखा था, बराबर है बच्चों। चलो तो रेजिस्टेंस बिटवीन द टू एंड्स, अगर ये वर्टेक्स ए है, ये बी है, ये सी है, तो रेजिस्टेंस बिटवीन द टू एंड ए बी कहाँ, देखो ये वाला ए बी, ठीक है, और बी सी ये वाला है बी सी और सी ए, तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड और ए सी, इसके बीच रेजिस्टेंस की रेशियो निकालनी है, ठीक है, इन तीनों का रेशियो निकालना है। चलो तो अगर वायर है प्यारे बच्चों, ये वायर है तो इसके पास कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा ये वाला, ठीक है, और ये अगर वायर है तो इसके पास कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा, और ये अगर लेंथ एल है तो इसके पास कुछ न कुछ रेजिस्टेंस जरूर होगा। चलो इस टाइप से अगर ए रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी देखोगे, ए बी अगर रेजिस्टेंस देखोगे इसके अक्रॉस ए बी के अक्रॉस देखोगे, ठीक है, तो रेजिस्टेंस ए बी, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल, रेजिस्टेंस ए बी के क्रॉस देखोगे तो रो एल अपान ए हो जाएगा, ये भाई ए बी का रेजिस्टेंस निकालोगे तो रो एल अपान ए हो जाएगा, और रो इन सभी के लिए सेम है, एरिया क्रॉस सेक्शन सभी के लिए सेम है, लेंथ अलग अलग है, तो इसका लेंथ 3 रो अपान ए हो जाएगा, और 3 रो अपान ए को मैं एक्स लिख देता हूँ, रो अपान ए को, क्योंकि बार बार मतलब इतना लंबा कौन लिखेगा यार, तो रो अपन एल को मैंने एक्स एज्यूम कर लिया, क्योंकि आगे कैलकुलेशन बड़ा होगा जब पैरेलल निकालेंगे, तो ये मैंने एक्स लिख दिया, तो सिंप्लीफाई करने में आसानी होगा। उसी तरह से रेजिस्टेंस बी सी कौन सा है, ये बी सी है, तो ये आ जाएगा 4x, ठीक है, सिमिलरली उसी तरह से ए सी, तो रेजिस्टेंस ए सी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5x, ये वाली चीज, ठीक है। अब रेशियो निकालना है तो निकाल लो भाई, नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, तो ये नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी देखोगे तो ये वाली जो है ये 3x, ये दोनों, ये 4 और 5, ये दोनों इसके अक्रॉस, समझना, इसके अक्रॉस ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, ये उनके साथ, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे और ये उनके साथ पैरेलल में आ जाएगा। तो AB के क्रॉस अगर नेट रेजिस्टेंस देखोगे, मान लो AB डैश है, ठीक है, नेट रेजिस्टेंस AB डैश है, तो 5 और 3, 5 3 9 आ गया, और 9 और उसके साथ ये 3 पैरेलल में, तो 9x और मल्टीप्लाइड बाय 3x और ये 9x प्लस 3x, ठीक है, x खत्म हो गया, x कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा 27, ये 27 इक्वल टू x खत्म हो गया और ये 12, ये बात सबको समझ में आ गया। नेट रेजिस्टेंस भाई दो, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे और ये उसके साथ पैरेलल में आ जाएगा, और अगर दो पैरेलल में हैं तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं हम, ठीक है। चलो उसी तरह से रेजिस्टेंस अक्रॉस BC, तो रेजिस्टेंस अक्रॉस BC की वैल्यू आ जाएगी, नेट रेजिस्टेंस BC, देखो BC कहाँ है, तो ये वाली जो चीज़ है वो BC है, तो इसके अक्रॉस ये दोनों सीरीज में है, तो 5 और 3 8 और 4 उसके साथ पैरेलल में आ जाएगा, तो 8x + 4x पैरेलल में और डिवाइडेड बाय 8x और प्लस 4x, ये मल्टीप्लाई होगा, तो x खत्म हो गया, 8 4 32 32/12 आ जाएगा, क्लियर है। तो ये हमें मिल गया और ये यहाँ मिल गया, तो अब बच गया R AC के क्रॉस नेट रेजिस्टेंस। तो AC के क्रॉस अगर नेट रेजिस्टेंस देखोगे तो देखो AC कहाँ है प्यारे बच्चों, तो ये है हम लोगों का AC के क्रॉस ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, 3 और 4 7 7 और 5 के साथ पैरेलल में है, तो 7x और मल्टीप्लाइड बाई 5x
और डिवाइडेड बाई 7x प्लस 5x, तो ये आ जाएगा 35/12। तो 35/12 27/12, तो जब रेशियो लोगे तो इसका इन तीनों का जब रेशियो कैलकुलेट करोगे, हाँ कैलकुलेट कर लो, इन तीनों का जब रेशियो कैलकुलेट करोगे तो नेट रेजिस्टेंस आर ए बी डैश रेशियो आर बी सी डैश रेशियो आर ए सी डैश नेट रेजिस्टेंस, तो रेशियो लोगे तो 27:32:35, तो ये मिल जाएगा। ठीक है, रेशियो लोगे तो डिवाइड, ये दैट इज बी ऑप्शन हम लोग का सही है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया।